चलिए अभी हम गाद बगवरी में हैं और यहाँ पर महा कुश्ती का आयोजन किया गया है और गठबंधन के नेता चंपारण के चाक कहे जाने वाले रामबाबू यादव और रक्सौल जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से जिला परिषद पति मंजू शाह जी हैं, साथ में रवि मस्करा हैं, कमरुद्दीन जी हैं, बीज किशोर यादव पूर्व मुखिया एवं गुड मुखिया वर्तमान मुखिया यहां पे मौजूद हैं। तो चलिए इन लोगों का क्या कुछ कहना है कुश्ती को लेकर के, इन लोग से हम बात करते हैं और साथ में राज रक्सौल प्रखंड अध्यक्ष सौरंजन यादव जी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नहान के अवसर पर त्रिभुवान बोलता है, यहाँ से पश्चिमी चंपारण हो गया कि पूर्वी चंपारण हो गया, रक्सौल विधानसभा, सिकटा विधानसभा, सुगौली विधानसभा और मझौलिया बेतिया विधानसभा, यहाँ से 4 विधानसभा को जोड़ता है। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ गंगा जमुना तलहीज देखिए हिंदू मुस्लिम का, यह मेला है हिंदू लोग का, लेकिन ये मेला जितना भी जो इसमें जो कमेटी है ऑर्गेनाइज करने वाला लोग है सारे लोग हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। यह हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में भारत में ये पहली ऐसा जगह है गाद बहुवरी त्रिभुवान तपसी परसौना पंचायत में जो ये पड़ता है कि यहाँ सनातन धर्म हजारों हजार माने कम से कम मान लीजिए कि 40 से 50 हजार लोग हमारे माई बहन इसमें स्नान करती हैं और 2 दिन से यह मेला लगता है। आज आप देख रहे हैं ये कम से कम 30-40 हजार से ऊपर के दर्शक आए हुए हैं दंगल कुश्ती को देखने के लिए, नेपाल से, बनारस से, आपको अयोध्या जी से, माने दरभंगा से, समस्तीपुर से, बिहार शरीफ से, मिर्जापुर से, कलया से, हमारे यहाँ पश्चिमी चंपारण से लड़ाई किए हैं पहलवान जी, उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए वो पहलवान बाहर के हैं, यहाँ के नहीं हैं और उनका हौसला जज्बात को मैं सलाम करता हूँ कि जो ट्रैक्टर को रोक लेना और अपने शरीर से ट्रैक्टर को गुजार लेना यह एक कला का चीज है, एक शक्ति का चीज है। आज हमारे नौजवान जो गलत दिशा में भटक जाते हैं दंगल कुश्ती से, जान लीजिए कि भाईचारा प्यार मोहब्बत बढ़ता है, द्वेष के भावना कम होता है, गलत दिशा में लोग नहीं जाते हैं, नशा से दूर रहते हैं। दंगल कुश्ती को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, वह खत्म हो जा रहा है, विलुप्त हो जा रहा है, लेकिन हमारे रक्सौल में ये चीज को पुनर्जीवन हो रहा है। आप देखें कि दर्जनों जगह रक्सौल में हो रहा है, इसलिए सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए, वह केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। भाईचारा प्यार मोहब्बत हम लोग का जोड़ने का काम है, जहाँ भी अच्छा काम होगा वहाँ हम लोग जरूर रहेंगे, जहाँ भी प्यार मोहब्बत सारे समुदाय लोग रहेंगे वहाँ हम लोग जरूर मिलेंगे। आज जिन लोगों का आप नाम चर्चा लिए हैं जहाँ द्वेष फैलाना होगा वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। दंगल जो हम लोग का यहाँ पर हो रहा है, एक ही चीज़ मैं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चीज़ पर फोकस करें कि यहाँ पर परसौना तपसी पंचायत के गाद बहुवरी में जो दंगल हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग दंगल का आयोजन करें, वहाँ हनुमान जी की जय का नारा लगे और हिंदू लोग बैठकर उसका मजा लें। तो मैं इस दंगल के माध्यम से आप लोगों को और पूरे बिहार वासियों को यह शुभकामना देना चाहूँगा कि अगर भाईचारा बना के रखना हो तो यहाँ आकर जरूर देखना चाहिए। हमारा क्षेत्र में तो बहुत अच्छा लगा था, ये हर साल के बासी जोन होला जोन बहुत अच्छा होला, यहाँ जैसे हिंदू मुस्लिम के कोनो बात नहीं है, जितना भी कटकर्ता लोग बा मुस्लिम लोग बा यही लोग के जोर से ये सब काम होला। हाँ हर मैंने हरदम होके हमनिके सहयोग बढ़ल बा, जब बोला वाला लोग जब लोग हम लोग आवनी जो दंगल प्रतियोगिता जो हो रहा है और जो हमारे मुस्लिम भाइयों का योगदान है, मैं सलाम करता हूं और शुक्रगुजार हूं यहां के सभी समाज के लोगों का जो ये भाईचारा मतलब पूरे हिंदुस्तान के आवाम को मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान हमारे क्षेत्र में खुली है। और पूरे हिंदुस्तान के आवाम को मैं मैसेज देता हूँ कि इसी तरह हर जगह मोहब्बत की दुकान चलाइए, नफरत की दुकान से कोई सही सलामत नहीं रहा, देश को तोड़ने वाला जो है वो कभी आपके काम में नहीं आएगा। आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह का
भाईचारे और मोहब्बत का जो दुकान यहाँ चल रही है, आप लोग हर जगह ऐसा मिसाल पैदा कीजिए, हर जगह मोहब्बत और भाईचारा का प्रतीक बनिए। हर जगह कहीं भी जो है जो सामंतवादी लोग हैं, जो तोड़ने वाले काम करते हैं, जो नफरती लोग हैं, उनसे नफरत कीजिए और मोहब्बत फैलाने का काम कीजिए। कार्तिक के पूर्णिमा के दिन यह मेला लगता है, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर मेला लगवाते हैं हर साल का ये नियम है। यूपी के पहलवान आए हैं, नेपाल के पहलवान यहाँ आए हैं, अयोध्या से पहलवान आए हैं, सब जगह के पहलवान आए हैं, सब लोग मिलजुल कर हम कुश्ती कराते हैं शांतिपूर्वक से। यह कुश्ती होता है, एक साथ हम रहते, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि हम एक दूसरे का है, ना ना कोई भेदभाव नहीं, हर साल ही होता है सर। हाँ, हर साल होगा भी। हम लोग, हमारे जो सरकार है, चाहे आप बोले हैं कि अध्यक्ष हैं, तो हम लोग हमेशा सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो दंगल प्रतियोगिता जो हो रहा है, इसको राजव्यापी किया जाए और एक विधि व्यवस्था बनाया जाए हर पंचायत में कि दंगल कुश्ती जो है ये एक इंटरनेशनल पहचान बन जाए। दंगल कुश्ती से होता क्या है कि सबसे पहले मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है, जिससे बीमारी नहीं होता है और आदमी स्वस्थ रहता है। और हमारी पंचायत की बात है कि आप मंत्री आए थे, तो हमारे पंचायत की बात है, मंत्री आए थे यहाँ, अगला बार भी मंत्री आएंगे और इस बार भी मंत्री आए थे, और इसमें मंत्री जी को कहा गया था लेकिन किसी कारणवश समय नहीं था, लेकिन अगला बार नेक्स्ट समय में ये त्रिभुवान घाट जो गाद बवरी है परसौना तपसी पंचायत के अंतर्गत है, यहाँ भी अगला बार जितेंद्र यादव जो माननीय मंत्री है खेल प्रतियोगिता का, उनको बुलाया जाएगा। और हाँ, अगला बार पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त कर देता हूँ, आरजेडी के जितने लोग बैठे हुए हैं नेता लोग, इन लोग के समक्ष मैं बोल रहा हूँ, ये हवाबाजी नहीं है। आपने देखा होगा जो परसौना तपसी में क्या है, ये डिलेट होने वाले लोग नहीं है। आरजेडी का जो लोग है ना, बड़ी मजबूत से रहता है और उनकी जो बात होती है भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में टनक जाती है। ये खेल देख रहे हैं ना, कितना लोग देख रहा है, ये सब महागठबंधन के लोग उत्सुक है कि यहाँ बिहार के जो पर्यटन मंत्री हो या खेल मंत्री हो, यहाँ बुलाकर इसको इंटरनेशनल और राजव्यापी कराया जाए। लास्ट में यही कहेंगे, जे दंगल प्रतियोगिता मेरे पंचायत में हो रहा है, हमारे नेता है महागठबंधन के रामबाबू यादव जी, उभरते हुए सितारा है रवि मस्करा जी, हमारे जिला परिषद रक्सौल क्षेत्र संख्या 2 मंजू शाह जी है, पूर्व मुखिया बृज किशोर प्रसाद यादव जी है, और हमारे रामगढ़वा क्षेत्र से चलकर आए हुए हमारे भाई है, बड़े भाई है, जिला पार्षद है मोहम्मद कमरुद्दीन साहब जी, इन सभी लोग के तरफ से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यहाँ हर साल पूर्णिमा के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये मेला का उत्सव होता है, 2 दिन का मेला लगता है, इसमें बहुत से लोग, इतना ना जन सैलाब बढ़ जाता है, हर तरह से शांतिपूर्ण लड़ाई होता है, कुश्ती होता है, बहुत यूपी के, हरियाणा के, हमारे बिहार के, नेपाल के, हर जगह के यहाँ कुश्ती लड़ने वाले पहलवान आते हैं और बढ़िया से उनका स्वागत किया जाता है, उनका कुश्ती पूरा फुल पूर्ण रूप से किया जाता है। मैं यही कहूँगा कि धरती छू नहीं सकती जिसे आसमान कहते हैं, धरती छू नहीं सकती जिसे आसमान कहते हैं, कोई मिटा नहीं सकता जिसे पहलवान कहते हैं। पहलवान की एक अहम भूमिका है, जो अपने हर चीज को त्याग कर, अपने मन को वांछित को बांध कर और कुश्ती में अपना योगदान करते हैं और जहां जाते हैं वहां अपना नाम करते हैं।